देशभक्तों के खून की वो धारा याद करते हैं, चलो देशभक्तों के खून की वो धारा याद करते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, माता काला पीर जी की जय हो। सबसे पहले तो मैं नमन करूं कोतकला गांव की पवित्र धरती ने, कोक मठ की पवित्र धरती ने, प्रणाम करूं बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान बाल भाइयों ने, बाकी भाइयों ने सब नाम जोड़ के प्रणाम और नमन करूं महाराज महंत शुक्रनाथ योगी जी का, जिसने मैं बुलाई और आप सबके बीच नाम का मौका मिला, इतने अच्छे अच्छे भाइयों के दर्शन करने का मौका मिला, दादा का आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी हुई। मैं थारी बाण रोंदी नमन। और भाई देखो, पता होगा सोशल मीडिया पर देखते होगे, थारी बाण का बस एक के मकसद है कि आप कुछ बन जाइयो, कितने भी बड़े डॉक्टर वकील इंजीनियर मास्टर कुछ बन जाइयो, अगर भीतर में देशभक्ति नहीं है ना, वो विचारधारा नहीं है, तो बड़ा बनने का कुछ भी फायदा नहीं है। बहुत गर्व होया कि महाराज जी एक क्रांतिकारी है, मतलब इतने एक साधु होकर, एक महाराज होकर भी वो क्रांतिकारी भावना, इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए कुछ करने का जुनून इनके अंदर है, इस देश के सिपाही है। तो बहुत गर्व हुआ ऐसे ऐसे युवा महाराज जी जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगे, इस गांव माँ के इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। मेरी बहन बैठी है, काकी ताई बैठी है, इस तरह दो लाइन को अपनी बात की शुरुआत करूंगी। ये तो रुपया में बिकते हम जैसे, और घमंड करो तो माँ बाप के संस्कार का कर लियो, जिसने रुपया टोंदे आंदे है फांसी की सजा काट देंगे। तो भगत सिंह आसन आ गया, बोला माफी
बात कर।